फ्रेंड्स, चलिए हम आज आपका एनसी क्लास के चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपको दिया गया है। स्टार्टिंग में 1 से 100 काउंटिंग करना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट लेसन में देखते हैं, 1 ONE 1। ऐसे मैं ये बताना चाहूंगी कि अभी लॉकडाउन के कारण गार्जियन लोग जो भी हैं घर में, मम्मी पापा भाई बहन जो भी बड़े हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ने में हेल्प करें, उनकी उन्हें बताएं। यहाँ ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ऑनलाइन के बाद अब घर में आपको आपका ये फर्ज बनता है कि अपने बच्चे को अच्छे से कॉपी लेकर, और उसे जो भी कॉपी हो, पहले वाले हो, आई नो कि अभी लॉकडाउन है तो कॉपी तो मिल नहीं रहा होगा, सारे दुकान बंद है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आपके पास जो भी बचा हुआ कॉपी है पिछले साल का, उसमें आप इसे मेंटेन करें, नोट करें और अपने बच्चे को सिखाएं। ये तो आप कोई भी कॉपी पे सिखा सकते हैं, ये तो सीखने से मतलब होता है बच्चों को, ठीक है। तो फिर आप इसे बच्चों को घर में लिखने के लिए भी सिखा सकते हैं। तो नॉर्मली बोला उनको बोलने बोलिए ONE 1 मीन्स क्या होता है, एक क्या होता है, एक होता है। ONE मीन्स क्या होता है बच्चों, एक होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, एक काइट, वन एक पतंग है ना, तो यहाँ पर एक हुआ एक। देखिए यहाँ पर 1 हॉर्स, 1 आंट, 1 चींटी, 1 घर, 1 घोड़ा और 1 पतंग, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको अच्छे तरीके से बना लीजिएगा बुक कॉपी। आपके पास तो बुक्स है नहीं, तो एक काम कीजिएगा, कॉपी लीजिएगा और उसमें 1 1 1 1 जो भी फैमिली लोग हैं अपने बच्चों को 1 लिखना सिखा दें, ठीक है। और देखिए ये लिखाता कैसे है, तो सिंपल सी बात है, कुछ करना नहीं, एक लाइन बस ऐसे देना, ये मतलब हो गया 1, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं 2 मतलब क्या होता है बच्चों, 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए सारे कुछ 2-2 हैं, 2 2 आंट हैं, 2 टाइगर हैं, 2 बॉल हैं, 2 कैट हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखिए 2 2 लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2 कैसे लिखाता है बच्चों, तो 2 ऐसे लिखाता है, ठीक है। तो आप घर में मम्मी पापा को बोलिए कि मुझे 2 लिखना सिखाएं, और यहाँ मैं आपको बुक्स दिखा रही हूँ और दिखा के पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलिए 3 होता है THREE 3 होता है, क्या होता है, 3 THREE 3 मीन्स क्या होता है, 3। और 3 कैसे लिखाता है, 3 लिखाता है ऐसे, 3 लिखाता है, सॉरी ये तो अ जैसा लग रहा है, ऊ जैसा, 3 लिखाता है ऐसे। 3 कैसे लिखाता है बच्चों, ऐसे लिखाता है। अब घर में मम्मी को बोलिए कि मुझे 3 लिखना सिखाएं, ठीक है बच्चों। तो चलिए आपका ये होमवर्क है 4 F O U R 4 मीन्स क्या होता है, 4। तो 4 कैसे लिखना है, देखिए 4 पक्षी हैं, 4 आम हैं, सॉरी 4 फ्लावर हैं, तो इसी तरह आपको ये गिनना है, 4 पेड़ गिनना है इसको, 1 2 3 4, और फिर यहाँ पे लिखना है 4, ठीक है। इसी तरह 5 है, F I V E 5 मीन्स क्या होता है, 5 5। तो 5 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 5, ठीक है। पहले ऊपर एक लाइन ऐसे देते हैं, फिर नीचे ऐसे देते हैं, फिर ऐसे देते हैं, ये हो गया 5। ये हो गया 6 SIX क्या होता है, 6 होता है, 6 मतलब 6। तो आप ये 6 लिखिएगा। ये हो गया 7 SEVEN 7। तो देखिए 6 लिखाता है कैसे, 6 पहले आप एक काम करिए, यहाँ पर 0 दीजिएगा ऐसे, उसके बाद ऐसे एक इसमें ऐसे लगा दीजिएगा, ये हो गया 6। चलिए 7 देखते हैं, SEVEN 7 7 मीन्स क्या होता है, 7। यहाँ पे देखिए 7 बंदर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हेन है, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 क्या है, अंडे हैं, 2 2 4 2 6 1 7। तो देखिए 7 मंकी, 7 हेन, 7 एग। यहाँ पर आप लिखिएगा 7 7 7 7, ठीक है। 8
ई आई जी एच टी, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। एट, एट मीन्स आठ, और इसको लिखिएगा एट, ठीक है।